उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद के विश्व प्रसिद्ध पवित्र तीर्थ स्थल बरसाना से आ रही है इस वक्त सबसे बड़ी खबर। विश्व प्रसिद्ध बरसाना धाम के राधा मंदिरों के गोस्वामी समाज के सेवायत से वर्दीधारी ने की मारपीट। मामला राधा मंदिर के जगमोहन प्रांगण का। घटना हुए कैमरे में कैद। थाना बरसाने में तैनात SSI राम अवतार यादव द्वारा बताया जा रहा है। इस घटना से बाहर से आए तीर्थयात्रियों में फैली सनसनी। देखिए किस प्रकार से श्रद्धालु भक्तों के सामने सेवायत के साथ की गई मारपीट। घटना के वक्त का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। डॉक्टर कृष्ण मुरारी मंदिर रिसीवर से हुई बात, उन्होंने बताया कि किस मामले को लेकर यह घटना घटी मेरे संज्ञान में नहीं है। जब इस घटना के बारे में इंस्पेक्टर बरसाना से बात हुई तो उनका कहना था, हरिओम पुत्र पप्पू निवासी रंगीली गली बरसाना कोई सेवायत नहीं है। वह मंदिर प्रांगण में शराब पीकर श्रद्धालुओं के बीच बदतमीजी कर रहा था। वहीं ड्यूटी पर तैनात दरोगा राम अवतार ने उनको समझाया तो उसने भी बदतमीजी करने लगी। बदतमीजी की बात सामने आई और यह भी बताया कि उस पर कई मुकदमे पूर्व में दर्ज हैं। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, SKH न्यूज। क्या नाम है तुम्हारा? भक्तिराम गोस्वामी। परसों जो घटना हुई थी वो क्या मामला था? ये हमारे भक्त लोग आए थे, हमने उनको दर्शन कराए थे। 10-12 आदमी थे हमारे यहाँ पर। हम माँ दर्शन करा के मंदिर भारत के चौक में लेके आए और वो हमको पैर छू के दक्षिणा दे रहे थे और कसवास्या साहब आए और हमसे ये कहा बे मतलब में पूछताछ करने लगे। भाई आप दक्षिणा क्यों ले रहे? हमने कहा इनसे पूछिए। उन्होंने उनसे पूछा भाई आप क्यों दे रहे उनको? भाई हमारे गुरु जी हैं, हम मिलने वाले हैं और कैसे कहते हैं उन्होंने हमको धक्का करके दिया, हटा दिया यहाँ से। यहाँ किसको दिया धक्का? हमको दिया था। यहाँ सुना है थप्पड़ का भी मामला था। हमने हमारे संग में पवन गोस्वामी है, उसमें थप्पड़ मारा था। यहाँ अच्छा तुमने मारा था थप्पड़? हाँ भैया, मैं यहाँ भैया के साथ था। इनके कुछ यात्री लोग आए हुए थे यहाँ मंदिर के सिवाय, तो कुछ ब्राह्मण जन उनसे यात्रियों से दर्शन मिला करा कर दक्षिणा से अपना जीवन यापन करते हैं। तो तभी यहाँ पे काफ़ी दिनों से ऐसा ही साहब हमें यहाँ से भगाते हुए आ रहे हैं मंदिर से, लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं आया कि हमें गालियाँ पड़ी हों, धक्के दिए हों, क्योंकि हम डर के मारे पहले ही भग जाते हैं, यहाँ से भगा दिया जाता है हमें। तो कल इनके मंटू गोस्वामी जी के यजमान परसों जो आए हुए थे, उन्होंने यहाँ दर्शन करने के बाद इस मंदिर प्रांगण में उनका मंटूराम गोस्वामी स्वागत करने लगे। स्वागत करने के बाद, प्रसाद देने के बाद वो यहाँ से पता होते हुए मंटू भैया को दक्षिणा देने लगे। दक्षिणा देते देते पैर भी छू रहे थे, तो तभी ऐसा हिसाब चल के आकर पूछने लगे कि ये आप ऐसा किस बात का ले रहे हो? तो मंटू भैया ने उनको जवाब दिया कि आप इन्हीं से पूछा जाए। तो उन्होंने कहा ये हमारे प्रोत जी हैं, हमारे पंडित जी भी हैं, हम जब भी बरसाना आते हैं, जब भी हम बरसाना आते हैं तो यहाँ पे हमें दर्शन कराए जाते हैं इन्हीं के द्वारा, और हम इनको जो भी हम पे पान जो दक्षिणा बनती है वो देकर हम यहाँ से विदा हो जाते हैं। थप्पड़ मारा किस बात को लेकर? थप्पड़ मारा इस बात को देकर मारा कि भैया में वो धक्का देने लगे ऐसा हिसाब से। तो होकर मैं उनसे बोला क्यों हमारी बेइज्जती इतने भक्तों के सामने आप ब्राह्मणों की कर रहे हो, इससे लोगों को सही संकेत नहीं जाता है। उसी बात पर हमारे मित्र तमाशा भैया मारा गया और उनके खिलाफ कार्रवाई चाहिए हमें। जब हमारे खिलाफ और आम जनता के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर सकती है झगड़ों में, तो हमारे भी तो तमाचा है। ऐसा ही रामावध में मारा है, उसकी भी कार्रवाई हम समस्त गोस्वामी समाज में काफ़ी रोष है इस बात का, और हमारी बेइज्जती भी है। इसका सम्मान हमको सभी आला अधिकारियों के द्वारा हमें वापस चाहिए।